अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह आज मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महापौर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी से रीचा सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी हैं, देश भर निकाय चुनाव लड़ाए जाएंगे और अगर उनके प्रत्याशियों को जीत मिलती है तो वह साथ मिलकर नई विकास रणनीति बनाकर उस पर काम करेंगे। सुनिए। और मुद्दा बिल्कुल साफ है, नगर निकाय का चुनाव और उसकी तारीखें घोषित हो चुकी है। आम आदमी पार्टी पिछले एक वर्ष से लगातार नगर निकाय के चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। वार्ड स्तर पे हमने अपनी कमेटियां बनाई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ये चुनाव आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी और उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर विनती है। आपने एक मौका मोदी जी को दिया, एक योगी जी को दिया, ये तो शहरों की सफाई का काम है, ये काम झाड़ू वालों को दे दीजिए। हम साफ शहर करके दिखाएंगे। हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ, ये हमारा नारा है। इन दो नारों के साथ आम आदमी पार्टी इस चुनाव में उतरेगी। देश के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल गया। बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, बच्चे बच्चे से अगर आप पूछ लीजिए, हर व्यक्ति कहेगा मेरठ विश्वविद्यालय से चौधरी चरण सिंह जी पढ़े। हम सब लोग उनका नाम लेके आदर से सर झुका देते हैं चौधरी साहब के नाम। वो जिस विश्वविद्यालय में पढ़े थे उनके विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र गौरवान्वित, वो विश्वविद्यालय गौरवान्वित और उनके नाम पर ही वो विश्वविद्यालय हो गया। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री की डिग्री में ऐसा क्या है कि गुजरात विश्वविद्यालय अपने छात्र की डिग्री छिपाने के लिए हाईकोर्ट जा रहा है? अगर डिग्री सही है तो गुजरात विश्वविद्यालय का नाम तो नरेंद्र मोदी जी का के नाम पे पड़ जाना चाहिए था। पांच ऐसे छात्र नहीं मिले जिन्होंने मोदी जी के साथ एग्जाम दिया हो, पांच ऐसे छात्र नहीं मिले जिन्होंने मोदी जी के साथ पढ़ाई की हो, तो क्या देश के प्रधानमंत्री झूठी डिग्री दिखाए? झूठी डिग्री के आधार पर वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द हो सकती है अगर उनकी डिग्री की जांच सघनता से की जाए। उनकी डिग्री बीए की भी फर्जी है, एमए की भी फर्जी है। दुनिया का पहला ऐसा केस है कि डिग्री मांगने पर जुर्माना हो जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। तो ये डिग्री से आपने डिग्री कंप्लेन चला रखी है, संजय जी आपने डिग्री कंप्लेन चला रखी है मोदी जी की, आप कह रहे हैं डिग्री को लेकर इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? अगर हम बात करें बाबा नागार्जुन की, कवि की, सूरदास की, रनिंग की, पढ़े लिखे नहीं थे। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन वो मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो अपनी डिग्री के बारे में गलत जानकारी नहीं देते थे। हमने काम किया पिछले एक साल में, सघन तैयारी की वार्ड स्तर पे, बूथ स्तर पे। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो संगठनात्मक शक्ति एक साल के अंदर बढ़ी है और जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं उस पर जनता हमारा साथ देगी। हम कोई भी गलत, जैसे मैंने बताया ऋचा सिंह जी के नाम का प्रस्ताव मेयर के लिए है, तो ये एक योग्य कैंडिडेट है यहाँ से, तो हम ऐसे बात करेंगे। थोड़ा सा सांसद जी, इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है, जिलों के नाम बदले जा रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहना है? काम तो बदलो पहले, जिलों के नाम बदल के क्या होगा, काम भी तो बदलो। काम क्या है बाबा जी का? इस सरकार के अंदर कुंभ का मेला करते हैं, वहां भ्रष्टाचार होता है। इस सरकार के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण होता है, उसमें चंदा चोरी करते हैं। आज किसी भी थाने में, किसी भी दफ्तर में चले जाइए, बगैर रिश्वत के लोगों के काम नहीं हो रहा। खुलेआम वीडियो आ रहा है सामने आईपीएस ऑफिसर्स के, रिश्वत लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, खुलेआम।
वहीं आपसे प्रत्याशी चुनी गई रीचा सिंह ने कहा, जाति धर्म और जैसे मुद्दों को एक तरफ रखते हुए विकास कार्यों के मुद्दों पर काम किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, पर्यावरण, रेन बसेरो और नगर निगम के अस्पताल शामिल हैं। देखिए वही तो बदलना है, जाति आधारित चुनाव, धर्म आधारित चुनाव, इन मुद्दों को साइड में रखते हुए जो असली मुद्दे हैं उनको आम जनता के बीच में लाना है। वो ऑलरेडी है मुद्दे, लेकिन बस उनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, वही समझाना है आम आदमी को। और शायद क्योंकि मैं आम ही आदमियों में से बीच में से आती हूँ, शायद उनको ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। और मैं काफी साल से काम भी कर रही हूँ समाज के लिए, पर्यावरण के लिए काम कर रही हूँ। तो जो भी मुद्दे हैं, सड़क का मुद्दा है, स्ट्रीट लाइट्स का मुद्दा है, रैन बसेरों का मुद्दा है, नगर पालिका के, नगर निगम के जो अस्पताल है, शिक्षा का मुद्दा है, वो सब हम लेकर आएंगे और उद्योगों के साथ हम समन्वय करने की कोशिश करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़े। मेरठ एक ऐसा शहर बने कि जो आसपास के शहर हैं, वहाँ की इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ के उद्योगपति हैं, वो लालायित हो मेरठ में आने के लिए। ऐसा शहर मेरठ बनाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई, कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।